सुजानपुर तिहरा के वार्ड नंबर एक से पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए सविता महाजन, जो कि भाजपा के पक्ष के तरफ से उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं और जिनका जो चुनावी निशान है वो ताला चाबी इनको मिला है। ज्ञात रहे कि ये महिला समाज सेवी होने के साथ साथ कई जो कार्यक्रम भी अपने बेटे के नाम जो है करवाते नजर आ रही हैं पिछले कई वर्षों से। तो आज जो ये एक अध्यापिका के रूप जो रिटायर्ड हुए हैं, अब ये जनता की सेवा में नियंत्रण देखे जा सकते हैं, परंतु अब इन्होंने अपना मन बना लिया है कि वार्ड नंबर एक से चुनाव लड़कर अब लोगों के बीच में मत जाएंगे और जो विकास कार्य अधर में लटके हैं या विकास कार्य करवाएंगे वो किस प्रकार से करवाएंगे, आज हम जानेंगे सविता महाजन जी से कि क्या गतिविधियाँ आपकी रहेंगी। मैं वार्ड नंबर एक से सविता महाजन भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मेरा जो पहला काम है कि पहले तो वार्ड नंबर एक में जितनी भी साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था और ज़्यादातर जो भी पशु है इधर उधर घूमते रहते हैं उनको मैं मतलब गौशालाओं में भिजवाऊंगी, क्योंकि यहाँ सुजानपुर में खास तौर पर जो आवारा पशु हैं उनका बुजुर्गों को बहुत ही नुकसान पहुँचता है, बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचता है। मतलब मैं बिना टाइम के कोई भी जाए कभी भी वो मतलब मार सकते हैं, तो पीछे भी कई हादसे हुए हैं, उनको मैं गौ सदन में पहुंचाऊंगी। बाकी यहाँ पर एक बंदरों का भी बहुत आतंक है, वार्ड नंबर एक में तो खास ही है, इसमें मैं वो वन विभाग को भी जरूर मतलब लिखूंगी कि इसका भी कोई समाधान किया जाए। बाकी जितना भी मेरे से जो भी सेवा होगी मैं करूंगी। मैडम, वार्ड नंबर एक में जो ऐतिहासिक गुफा है उसके जीर्णोद्धार के लिए कोई भी कार्य जो हैं प्रशासन और स्थानीय नेताओं के द्वारा नहीं उठाए गए हैं, तो आप जब वार्ड पार्षद के रूप में भविष्य में उभरती हैं तो किस प्रकार से आप इस गुफा के जीर्णोद्धार करने के लिए कार्य करती नजर आएंगी? मुझे वार्ड नंबर एक से पूरी उम्मीद है कि मैं विजय बनूं और जितने भी जो विशेष कार्य रह गए हैं जैसे कि गुफा उसका काफ़ी भव्य निर्माण करूंगी और भी जितने भी मेरे से कार्य किए जाएंगे समाज सेविका के रूप में भी मैं कार्य करूंगी और बाकी जो नगर परिषद की ओर से भी जितने कार्य होते हैं मैं टाइम टू टाइम करूंगी। आज हमने बात की सविता महाजन से, वार्ड नंबर एक के जो भाजपा के प्रत्याशी के रूप में आए खड़े हुए हैं चुनावों में, तो इन्होंने चुनावी क्षेत्र में तो वोट मांगना अपना शुरू ही कर दिया है वार्ड नंबर एक में। और जो ये पहले भी हम एस्टुडे माध्यम से संदेश दे चुके हैं कि कई जो कार्यक्रम हैं वो इनके माध्यम से जो इनके बेटे थे वो गुजर चुके थे काफ़ी समय से, तो उनके जो उसके जो नाम से इन्होंने कई कार्य जो हैं सुजानपुर शहर में चलाए हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है जो हर व्यक्ति इनका वो मोहताज नहीं है ये, और जो इनका चुनावी चिन्ह है जो ताला और चाबी इनको चुनावी चिन्ह दिया गया है उसके बारे में उन्होंने अपील की है जनता से, अगर मैं चुन के आती हूँ चाहे गुफा का कार्य होगा या जो साफ सफाई के कार्य हैं या बंदरों से निजात की समस्या है लोगों की, वो देखने को आपको भविष्य में जरूर मिलेगी। एस टुडे के लिए राजन मेहता की रिपोर्ट। सलाम, धन्यवाद।